ड्यूटी दो या घर जाओ, डिप्टी कमिश्नर लैया मौजें करने वाले सरकारी मुलाजमीन के रास्ते की रुकावट बन गए। अस्पतालों और सरकारी दफातर के अचानक दौरे, गैर हाजिर डॉक्टर्स और अमले पर बरहम, कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ को लापरवाह अमले के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल और रूरल हेल्थ सेंटर 161 का अचानक दौरा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और डॉक्टर मीर गोहर, हसन मुश्तबा और उसामा खान के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब से पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिशात भिजवा दी। दूसरी जानब 161 TDA में लापरवाही बरतने और गैर हाजिर होने पर डिस्पेंसर मुख्तार हुसैन, LHV राबिया बशीर के खिलाफ भी पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। मोहम्मद शहबाज हुसैन ने हस्पतालों में मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात की, मसाइल पूछे और अद्वियात की फ्राहमी के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन ने महकमा ज़रात, प्लांट प्रोटेक्शन, महकमा हाउसिंग, यूनियन कौंसिल कोट सुल्तान, खाद सेल पॉइंट लोहांच नशेब और डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग के दफातर का भी अचानक दौरा किया और गैर हाजिर अमले के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। इस हवाले से उनका कहना था कि सरकारी फ़राइज़ में कोताही और गैर हाजिरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही रियायत होगी। तमाम मुलाजमीन को ईमानदारी से ड्यूटी देना होगी। जिसने काम नहीं करना वो घर चला जाए और आराम करे। शहरियों को उनकी दहलीज तक सहूलियात फ्राहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद अपडेट के लिए विज़िट कीजिए voicetoday.tv। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।